हमारे असली में वो अभी तो रोज बुलाएंगे बहुत ही सुंदर आत्रा रोज भी बता दिए हैं फिर हमारे क्लास के साथ बता दिया है हम लोग के टेलीफोन और बाबा और आश्रम से देने का चांस आया क्लास में आया नाम बता रहा नाम बता रहा हमसे आया वाले नमा होते थे हमारे सबा बोले अल्लाह दूर से देने के अब मियां यहां पर काजी मुबारक रहमतुल्लाह तआला ने ला युतसव्वुर की एक तरकीब तो आपको पहले बता चुके हैं ला युहद्दु बे के ये शान से हाल जैसे ला युहद्दु था यहां पर काजी मुबारक रहमतुल्लाह तआला आपको ला युतसव्वुर की दूसरी तरकीब बता रहे कि मा आजम शान हु में जो हु है ना जमीर मजरूर ये उससे हाल है तो मियां जमीर मजरूर तो बारी तआला की तरफ आयद है तो मतलब ये होगा कि ला युतसव्वुर हाल कौनिही तआला ला युतसव्वुर मा आजम शानहु हाल कौनिही ताला ला युतसव्वुर अच्छा अब यहां पर लेकिन असल कजिया जो है वो है वह ला युतसव्वुर ये ला युतसव्वुर महमूल है ना मौजू इसका मुकद्दर है वह ला युतसव्वुर बन जाएगा जब जमीर से हाल होगा तो वह ला युतसव्वुर बारी ताला की जात मुतसव्वुर नहीं हो सकती है अब यहां पर ये एतराज होता है कि यार ये तो कजिया है वह ला युतसव्वुर ये तो कजिया है कजिया बनाने में दो इहतमाल है यहां पर या तो ये कजिया मूजिबा मादूलतुल महमूल है देखो ये ला महमूल की जुज बना दो तो कजिया मूजिबा मादूलतुल महमूल बन जाएगा या कजिया सालिबा है सालिबा बसीता के हुआ लैसा भी मुतसव्वुर ला बमाना लैसा कर दो तो सालिब आओगे तो बहरहाल दो इहतमालात कजिया में हैं कि मादूलतुल महमूल हो या कजिया सालिब बसीता लेकिन कजिया तो बहरहाल है सालिबा है या मुजिबा है कजिया में मियां वाजिबात में से है कजिया में हुक्म नहीं होता तो कजिये में वाजिबात में से है कि महकूम आले का तसव्वुर हासिल हो कायल को जब कजिये पर तलफुज करने वाला तलफुज करता है तो उस वक्त महकूम अले का तसव्वुर जरूर हासिल होना चाहिए क्योंकि अगर महकूम अले मुतसव्वुर न हो तो हुक्म लाजिम आ जाएगा मजूल मुतफ़ समझा गई है तो मजूल मुतलक पर हुक्म लगाना जाएगा जिस चीज के तुम पर भी नहीं जानते हो उसके ऊपर हुक्म लगाना किसी किस्म का भी हुक्म लगा सकते हो
इसलिए फरमाते हैं मियाँ ये कजिया है, और कजिया में जरूरी है कि महकूमल मुतसव्वर, तो ये कजिया तो कह रहा है कि हुवा ला युतसव्वर। तो देखो मियाँ, हिकायत कजिया क्या कह रहा है, ला युतसव्वर। अक्द कजिया क्या चाहता है, युतसव्वर। नहीं समझे हो, तो कजिया मुनाकिज ले नफसिहा हुआ कि नहीं हुआ। जब मौजू का तसव्वुर कजिया के लिए इंद अल हुक्म जरूरी है तो फिर तो हुआ, हुआ का तसव्वुर होगा ना, हुआ महकूम अलैह है ना, तो फिर लायो तसव्वुर ठीक हो गया। तो अक्द कजिया क्या चाहता है कि मौजू मुतसव्वुर हो, मौजू का तसव्वुर होगा। लफ्ज कजिया हिकायत कजिया क्या चाहता है कि तसव्वुर नहीं होगा। तो कजिया मुनाकिज ले नफसिहा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो मातिन ने ऐसा कलाम किया यार, वो तो खुद मुनाकिज ले नफसी ही है। समझे हो, ये सवाल यहां पर होता है मतन पर। शारे ने काजी मुबारक ने उसका जवाब दिया, ए बिल्कुल ही वला बिकुन ही, ये बीच में बात छोड़ो कि ना मियां तनाकुज नहीं है आकद कजिया में और हिकायत कजिया में, इसलिए आकद कजिया जो चाहता है कि मुतसव्वर हो वो तसव्वुर बिलवजह बिवजही है, और हिकायत कजिया जो चाहता है कि ला युतसव्वर हो वो तसव्वुर बिल्कुल हा और बिल्कुल ही है। लिहाजा तनाकुज के लिए तो वहदात समानी या शर्त है नमिया, तो यहां वहदत महमूल पाया गया नहीं, बुलायु तसव्वुर और तसव्वुर का सल्ब कर रहा है। अक्द कजिया जो तसव्वुर चाहता है वो और तसव्वुर है, समझ में आ गई है। लिहाजा कजिया मुनाकिज लिनफ्सिहा नहीं है, क्योंकि जिस तसव्वुर का सल्ब है लायु तसव्वुर हिकायत के दर्जे में, वो कौन सा तसव्वुर है, बिल्कुल ही वो बिकुन ही, समझ आ गई है। लिहाजा हिकायत के दर्जे में सल्ब है तसव्वुर बिल्कुल हा और बिल्कुल ही का। अक्द कजिया चाहता है कि मौजू मुतसव्वुर हो वो तसव्वुर बिलवजह और बिवजह ही है। बारी तआला का तसव्वुर बिल आवारिज़ तो बिस्सिफात तो हमको है ना, अल्लाह समीउन कदीरुन, ये सिफात है ना बारी तआला के, इलम समा बसर मशीयत कलाम इरादा कुदरत वगैरह, इन सिफात से तो हम जानते हैं ना बार, तो ये बार तआला का इलम बेवजह ही या बिलवजह, तो मैं आइए, लेकिन बिल्कुल हाँ नहीं है और बिल्कुल ही भी नहीं है, तो मैं आ गई है। ये बात हो गई, जवाब दे दिया काजी ने, बिल्कुल हाँ और बिल्कुल ही निकाल। एक और इतराज हुआ कि मियां ये ला युतसव्वुर से अगर मुराद तसव्वुर बिल्कुल हा है तो तकरार आ गया है मियां, क्योंकि तसव्वुर बिल्कुल हा तो जातियात से होता है ना, तो ला युहद्द में जातियात बातिल हुए कि नहीं हुए, समय आ गई है। तो ये तो लायो हद से पता लग गया कि बारी ताला का बिल्कुल हा तसव्वुर नहीं हो सकता, तो यहां दोबारा लायो तसव्वुर जिक्र करना तकरार नहीं है, समझ आ रही है।
और अगर ये कहना कि तसव्वुर बिल वजह या भी वजह ही नहीं हो सकता तो ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बारी तआला मुतसव्वुर बिल वजह भी वजह ही तो है। समझ आ गई है? तो अगर बिल्कुल हाँ तसव्वुर मसलूब है तो इबारत में टकरा, बिल वजह भी वजह ही मुराद है तो डरो। समझ आइए, बिल वजह भी वजह तो बारी तआला मुतसव्वुर है। उसका जवाब दिया काजी ने कि हे मियां तकरार नहीं है, इसलिए कि लायु तसव्वुर लायु हद में सिर्फ तसव्वुर बिल्कुल हा का सलब हुआ था कि वो जातियात से होता है, और लायु तसव्वुरों में तसव्वुर बिल्कुल हा और बिकुन ही दोनों का है। तो तसव्वुर बिल्कुल हा तो जातियात से है, लेकिन तसव्वुर बिकुन ही तो बसायत का भी होता है कि खुद जाति शे जहन में चली जाए, तो ये तस्वुर बिकुन ही है। तो लिहाजा ये लायु तस्वुर जो है ये इसका एक मजीद फायदा भी है। तो टकराव तो उसको कहते हैं जिसका मजीद कोई फायदा जदीदा ना हो। समझ आइए, तो यहां तो फायदा जदीदा है कि लायु तस्वुर से सल्ब है दोनों तस्वुरात का, बिल्कुल हा कभी और बिकुन ही कभी। तो बिकुन ही वाला फायदा पहले हासिल हुआ लायु हद से, समझे हो बात? इसलिए इसका एक फायदा जदीदा है। ये दो एतराजात यहां पर होते थे, उसके जवाबात आज़ी मुबारक ने शरह में दे दिए मियां। तो पहले फरमाया लायु तसव्वुर ए बिल्कुल, उसकी दलील दे दी इम्तिनाअ तहदीद, पहले हम तकरीर कर चुके हैं लायो हदों में कि तहदीद नहीं है तो तसव्वुर बिल्कुल ना तो जातियात से होता है नमिया, तो जातियात तो हम पहले बातिल कराएं लायो हदों में, ये तो इसलिए। वला बिकुन ही, वला बिकुन ही, बिकुन ही भी बारी तआला मुतसव्वुर नहीं है, इसके ऊपर अब दलाइल देंगे आज़ी मुबारक हो, दलाइल देंगे। दलील थोड़ी लंबी है, तकरीर उसकी थोड़ी वसी है, इसलिए मेरे ख्याल में आज इतने पड़े।